Hello, dear students. Welcome to English class. In this class, we are going to do chapter No Time for Fear. This is very beautiful lesson telling us about courage, friendship, and the commitment. The writer of this chapter is lesson is Philip Yancey. Author Philip Yancey, you can see his picture, his photo. No Time for Fear is a story about the bravery and courage of two young Canadians, Malcolm and Bob, who had faced death on their first date. जिहड़ी कहानी है No Time for Fear, दो कैनेडियन नौजवानों की है, उन्हों का नाम है Malcolm ते Bob. इन्हां दे हौसले दी बहादुरी दी एक कहानी है जिन्होंने अपनी पहली मुलाकात दौरान मौत दा सामना किया सी, Malcolm ते Bob ने. और पिक्चर च तुसी देख सकते हो कि बेयर है, उन्हां दे कब्स हैगे ते बेयर खुद है, भालू भी है. Malcolm वॉज अ यंग बॉय ऑफ 19 एंड Bob वॉज अ यंग गर्ल ऑफ 18. Malcolm जो सी एक 19 साल का मुंडा सी ते Bob 18 साल की कुड़ी सी. दे वर फ्रेंड्स, वह मित्र सन, दोस्त सन. दे वेंट आउट टू एंजॉय ए हाइक एट बालू पास इन ब्रिटिश कोलंबिया. वो बाहर गए बालू पास एंजॉय करने लिए, वो हाइक हाइकिंग लिए, दैट इज ट्रैकिंग, जो पहाड़ ते चढ़ते हैं, दैट इज नोन एज हाइक. तो उस उत्थे गए बालू पास की ट्रैकिंग ते, हाइक ते गए. ब्रिटिश कोलंबिया दे विच है ब्रिटिश कोलंबिया ग्लेशियर नैशनल पार्क के नाल मशहूर है वो एरिया. द ट्रैक वॉज समूथ, जी ट्रैक सी ट्रैकिंग उपर चढ़ना वह समूथ सी, बट दैन इट स्टार्टिड स्नोइंग, फिर स्नो पैन लग पे एंड दे वर फोर्स टू स्पेंड द नाइट इन वन ऑफ द माउंटेन कैबिन्स. उन्होंने मजबूर होना पाया कि माउंटेन दे विच जिहड़े कैबिन बने हुए होंगे इस तरह के लकड़ा के, तुसी देख सकते हो इस तरह के कैबिन. ਉਹ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਨੋ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੇ ਆਰ ਹਾਈਕਿੰਗ ਟਰੈਕਿੰਗ ਅਪ. ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੈਬਿਨ 'ਚ. Malcolm 19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁੰਡਾ ਅਤੇ Bob 18 ਸਾਲ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਸੀ. ਉਹ ਦੋਨੇ ਮਿੱਤਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਬਾਲੂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਬਲ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਲਈ ਗਏ ਸਨ, ਸੈਰ 'ਤੇ ਗਏ ਸਨ. ਪਹਾੜੀ ਯਾਤਰਾ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਝੌਂਪੜੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਿਤਾਉਣਾ ਪਿਆ. द नैक्सट मॉर्निंग द वैदर वॉज क्लीयर, अगले सुबह वैदर क्लीयर हो गया से एंड दे स्टार्टिड दे आर डाउनवर्ड जर्नी तो तुर पे. सडनली दे सा टू बेयर कब्स, अचानक उन्होंने दो बेयर कब्स देखे, यानी कि बच्चे देखो उन्होंने दो बेयर कब्स देखे. Malcolm गॉट वरीड, Malcolm चिंतित हो गया. ही थॉट दैट देयर मदर ग्रिजली वुड ऑल्सो बी देयर, उन्हें सोचा कि उसकी माँ जी है रिछणी वह भी उत्थे नज़दीक ही होएगी. As he was thinking of moving, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦ ਗ੍ਰਿਜ਼ਲੀ ਕੇਮ ਰਨਿੰਗ, ਗ੍ਰਿਜ਼ਲੀ ਉਹਦੇ ਦੌੜਦੀ ਆਈ ਐਂਡ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਟੈਕ ਤੇ. Malcolm fell down senseless, Malcolm ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ. ਬਟ ਵੈਨ ਹੀ ਰੇਜ਼ਡ ਹਿਸ ਹੈਡ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਚੱਕਿਆ, ਹੀ ਸੋ ਦੈਟ ਦ ਗ੍ਰਿਜ਼ਲੀ ਵਾਸ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਔਨ Bob's ਲੈਗ, ਗ੍ਰਿਜ਼ਲੀ Bob ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ. At that time, उस वेले Malcolm thought that there was no time for fear. Malcolm ने सोचा कि डर लई कोई समा नहीं है. Immediately attacked the grizzly with a hunting knife. उसने grizzly नूं अटैक कर दिता एक hunting knife नाल, एक छुरी नाल, hunting छुरी जिहड़ी हुंदी उस दे नाल. In order to save the life of Bob, Bob दी लाइफ बचाउण लई, the grizzly snapped her head. Grizzly ने उसदे सिर ते हमला कीता.
राइट अपने पंजे नाल बैकवर्ड सो क्विकली दैट मैलकम नाइफ वॉज फ्लंग, इतनी तेजी नाल उन्हें बैकवर्ड वो हमला किया कि जरा छुरी है सो क्विकली दैट द मैलकम नाइफ वॉज फ्लंग अवे, मैलकम द छुरी जड़े सी वो दूर चले गया एंड हिज रिस्ट वॉज ब्रोकन, उसका रिस्ट टुट गया, इन्ना तेजी नाल हत्थे हमला होया सी। नाउ देन द ग्रिजली लैफ्ट बाब, उस तो बाद ग्रिजली ने बाब नू छड़ दिता ते अटैक्ड मैलकम, ते उस तो बाद उसने अटैक किया मैलकम ते। द ग्रिजली स्वेटेड हिम ओवर हिज हैड, ग्रिजली ने उस दे सिर ते हमला किया, अ पैच ऑफ हेयर केम ऑफ विथ मोस्ट ऑफ हिज स्किल्स स्कल्स, उस दे सिर दे स्कल दे उत्तों जड़ा पैच ऑफ हेयर है वो निकल गया सीगा। शी स्क्रैच्ड हिम हिज फेस विद हर शार्प क्लॉज, उन्हें अपने पंजे नाल शार्प पंजे नाल उसके फेस नू स्क्रैच कर दिता सीगा, नोच दिता सीगा। मैलकम थाउट हिज एंड वॉज नियर, मेरे को मैलकम नू लगा कि उसका अंत नज़दीक सी। ही स्टॉप्ड स्ट्रगलिंग, उसने स्ट्रगल करना स्टॉप कर दिता। द ग्रिजली थाउट ही वॉज डेड एंड लैफ्ट हिम, ग्रिजली ने सोचा कि वह मर चुका है तो उसनू छड़ गई। बार्ब क्राउल टुवर्ड्स मैलकम, बाब ने मैलकम वल क्राउल किया यानी कि रेंग के मैलकम वल आई। ही वॉज बैडली इंजर्ड, वह बुरी तरह घायल सी। शी रश टू द लॉज टू गैट हैल्प, और लॉज वल दौड़ी हैल्प लैन ली। गोडी पेटो हु वॉज ऑल्सो अ गुड फ्रेंड ऑफ मैलकम रीच देयर, गोडी और पेटो जो अच्छे मित्र सन मैलकम दे उत्थे पहुँचे। ही ट्राई टू चेयर अप मैलकम, उन्हें मैलकम नू खुश करने की कोशिश की बाय सेइंग दैट ही ऑलवेज एंडेड अप लुकिंग आफ्टर हिम, राइट वो हमेशा उसनू लभ के थक जाती है। राइट नेट क्लोव फर्स्ट एड अटेंडेंट, नेट क्लोव जो कि एक फर्स्ट एड अटैम्प्ट रैप्ड मैलकम्स वॉन्ड, मैलकम दे जख्मों ने रैप किया यानी कि पट्टी बननी उत्ते, विद अ गेज एंड स्ट्रैप्ड हिम इन अ स्ट्रैचर, एक गेज दे नाल ते उत्ते उसनू बनिया स्ट्रैचर दे उत्ते भी लपेटिया। मैलकम वॉज टेकन टू क्वीन विक्टोरिया हॉस्पिटल इन रैवलास्टॉक, रैवलास्टॉक दे विच क्वीन विक्टोरिया जरा हॉस्पिटल से उस दे विच मैलकम नू ले जांदा गया। ही वॉज ऑपरेटेड अपॉन फॉर 7 hours, उस दे ऑपरेशन चल लिया 7 घंटे तक एट अ स्ट्रैच एक बारी च, एंड मोर दैन 1000 stitches वर पुट इन हिज बॉडी, 1000 तो ज़्यादा स्टिचिज उस बॉडी च लगाए गए। सून ही वॉज आउट ऑफ डेंजर, जल्द ही वो खतरे तो बाहर सी। अकॉर्डिंग टू वन अटेंडेंट डॉक्टर, अटेंडिंग डॉक्टर एक अटेंडिंग डॉक्टर के हिसाब से रिस्टोरिंग मैलकम्स फेस वॉज लाइक पुटिंग अ जिगसॉ पजल टूगैदर, एवें जिमें कि जिगसॉ पजल नू इकट्ठे कर रहे हो। लेटर ही वॉज शिफ्टड टू द टू हॉस्पिटल इन हिज होम टाउन, बाद दे विच उसनू एक हॉस्पिटल दे विच उदे होम टाउन दे जिहड़ा कि एडमिंटन च सी उत्थे शिफ्ट कर दिता गया। वन डे एक दिन मैलकम वॉज अलोन इन द हॉस्पिटल, जो मैलकम हॉस्पिटल दे विच कल्ला सी। ही वॉक स्लोली टू द वाशरूम, स्लोली वाशरूम दे वल चले गया एंड सॉ हिज फेस इन द मिरर, और अपने फेस नू मिरर विच वेख्या। ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड, वह बहुत दुखी सी निराश सी। हिज फेस वॉज हरीबली अगली एंड डिसफिगर्ड, उसका चेहरा बहुत बेढंग बदसूरत हो गया सी। ही रिफ्यूज टू मीट हिज फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स, उसने अपने माँ बाप तो अपने दोस्तों तो मिलने तो मन इनकार कर दिता। ही बिगैन टू हेट हिमसैल्फ, वो अपनू खुद नू अपने आप नू नफरत करने लग पाया। ही डिड नॉट ईवन रिप्लाई टू बाब्स लैटर्स, उसने बाप के लैटर्स का भी जवाब नहीं दिता। हाउ थिंकिंग हाउ एनी वन कुड लव अ फ्रीक लाइक हिम, ये सोचते हुए कि कोई किवें उस दे वर्गे बदशकल और फ्रीक नू लव करेगा प्यार करेगा। बाब ट्रूली लव्ड मैलकम, बाब सचमुच ही मैलकम नाल प्यार करती सी। वन मॉर्निंग शी केम टू मीट हिम, एक सुबह उसनू मिलन आई आफ्टर ट्रैवलिंग अ लोंग डिस्टेंस ऑफ 1250 किलोमीटर, एक लंबे डिस्टेंस 1250 किलोमीटर ट्रैवल करने तो बाद आई। दे टॉक्ड फॉर 2 long hours, वो 2 घंटे तक गल्लां करते रहे। इन जनवरी शी सेंट हिम अ मैरिज प्रपोजल, और जनवरी च उसने उसनू मैरिज प्रपोजल भेजा। शी रोट इट इज अ लीप ईयर, उसने दस्या कि एक लीप साल सी। इस दे विच
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਨ ਜੁਲਾਈ 21st 1973 ਦੇ ਵਰ ਹੈਪੀਲੀ ਮੈਰਿਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਪੂਰਵਕ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ। ਮੈਲਕਮ ਵਾਸ ਅਵਾਰਡਿਡ ਮੈਨੀ ਮੈਡਲਸ, ਮੈਲਕਮ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਮੈਡਲਸ ਮਿਲੇ ਫੋਰ ਹਿਜ਼ ਰੇਅਰ ਕਰੇਜ, ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹਾਦਰੀ ਲਈ, ਇੱਕ ਰੇਅਰ ਬਹਾਦਰੀ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਬੰਦਾ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਰੇਵਰੀ ਐਂਡ ਹਿਜ਼ ਸੈਂਸ ਆਫ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਔਰ ਸੈਂਸ ਆਫ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਲਈ। ਟੂਡੇ ਮੈਲਕਮ ਐਂਡ ਬਾਬ ਆਰ ਅ ਹੈਪੀਲੀ ਮੈਰਿਡ ਕਪਲ, ਅੱਜ ਬਾਬ ਅਤੇ ਮੈਲਕਮ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਕਪਲ ਨੇ, ਜੋੜੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਜੋੜੇ ਨੇ। ਬਾਬ ਸੇਜ਼ ਸ਼ੀ ਡਿਡ ਨਾਟ ਮੈਰੀ ਮੈਲਕਮ ਆਊਟ ਆਫ ਸੈਂਸ ਆਫ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ, ਬਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਆਊਟ ਆਫ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੀ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੀ ਬਿਲੀਵਸ ਦੈਟ ਸਕਾਰ ਡੋਂਟ ਚੇਂਜ ਅ ਪਰਸਨ, ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਕਾਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਗਲਾਸਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਰਡਸ, ਅਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੋਰੀ ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਹਾਦਰੀ ਕਰਜ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਲਕਮ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਬਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਆਉਂਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚ, ਫਿਰ ਭਰਤੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ 1000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਸਟਿਚਿਸ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਡਿਸਫਿਗਰਡ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਅਸਹਾਇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ 'ਚ ਫਰੀਕੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਦਸੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਬ ਉਸਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਂਡ 'ਚ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਬ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਲਕਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰੇਵਰੀ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨਾਮ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਨੋ ਟਾਈਮ ਫੋਰ ਫੀਅਰ, ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਔਰ ਕਰੇਜ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮਾਜ 'ਚ, ਦਿਲ 'ਚ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਡਲ। ਹਡਲ ਹੁੰਦਾ ਇਕੱਠੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਟੂ ਗੈਟ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਅਦਰ ਪੀਪਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਕੋਲਡ ਔਰ ਫਰਾਈਟਨ, ਡਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਹਡਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਹਡਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਭੀੜ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਅਤੇ ਹਾਈਕ ਹੁੰਦਾ ਲੌਂਗ ਵਾਕ ਅਪਵਰਡ, ਸਨੋ ਫਲਰੀ ਲਾਈਟ ਸਨੋ ਫਾਲ ਜਦੋਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਨੋ ਫਲੋਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਰਗਲ ਸਪਲੈਸ਼ ਔਰ ਮੇਕ ਹਾਲੋ ਬਬਲਿੰਗ ਔਰ ਸਾਊਂਡ ਲਾਈਕ ਵਾਟਰ ਫਲੋਇੰਗ ਓਵਰ ਐਨ ਅਨਈਵਨ ਸਰਫੇਸ, ਉਸਨੂੰ ਗਰਗਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ। ਕ੍ਰੀਕ ਨੈਰੋ ਸਟਰੀਮ ਆਫ ਵਾਟਰ ਫਲੋਇੰਗ ਡਾਊਨਵਰਡਸ ਮਾਊਂਟੇਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਸਟਰੀਮ ਜੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਟਰੀਮ ਫਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਇਹ ਸਟਰੀਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਗਰਗਲ ਸੀ ਇਹ, ਗਰਗਲ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿੰਦੀ ਉਸਨੂੰ ਗਰਗਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਗ੍ਰਿਜ਼ਲੀ ਬੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਨੀਮਲ ਆਫ ਲਾਰਜ ਰੇਸ ਆਫ ਬਰਾਊਨ ਬੇਅਰ ਨੇਟਿਵ ਟੂ ਨੌਰਥ ਅਮੈਰੀਕਾ, ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਜ਼ਲੀ ਬੇਅਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਬੇਅਰ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੀਅਰ ਰੈਡ ਅਪ ਇਟਸ ਹਿੰਡ ਲੈਗਸ ਰੇਸ ਆਫ ਐਨ ਐਨੀਮਲਸ ਇਟ ਸੈਲਫ ਅਪੋਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਓਬਸਕਿਓਰਡ ਕਵਰਡ, ਜਿਹੜਾ ਧੁੰਦਲਾ ਜਾ ਹੋਵੇ, ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਸਨ ਕੰਪਲੀਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਗਰਾਊਲ ਹੁੰਦਾ ਗਰੰਟ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਾਲਣਾ, ਟੂ ਮੇਕ ਵਾਇਸ ਸਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਫਰਾਈਟਨ ਅਦਰ, ਗੁਰਰਾਣਾ ਇਸਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰੇਜ ਮਤਲਬ ਗੁੱਸਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਅਨਕੰਟਰੋਲੇਬਲ ਐਂਗਰ ਇਸਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ, ਅਨਕੰਟਰੋਲੇਬਲ ਐਂਗਰ। ਡਰੂਲਿੰਗ, ਫਲੋਇੰਗ ਆਫ ਸਲੀਵਾ ਆਊਟ ਆਫ ਮਾਊਥ ਇਜ਼ ਡਰੂਲਿੰਗ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਲਾਰ ਟਪਕ ਰਹੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਡਰੂਲਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ। ਫਲੈਕ ਐਵਰੀ ਸਮਾਲ ਪੀਸ ਔਰ ਪੈਚ ਆਫ ਸਮਥਿੰਗ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ ਫਲੈਕ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਚਿਸ ਹੈਗੇ। ਡਕਟ
टू बेंड, झुक जाना किसी चीज़ तो बचने लिए। मान लो एक पत्थर सट रहा तो डेथे जिदा पिक्चर दिखा रहा, तो उसे उसनों डक किया, यानी कि उसनों डक अदरवाइज हुंदा जीरो या डक आप कबूतर नूं कहने, तो डक इत्थे हुंदा जदों जीरो हो जाए। तो क्रिकेट च भी एक वर्ड यूज़ किए जाते कि डक ते आउट होया, यानी कि जीरो ते आउट होया, यानी कि मान लो कि यह पत्थर सट्टया गया, ये वाला जिहड़ा पत्थर, और तुसीं थल्ले बैठ गए तो तुहानूं नहीं वज्जिया, वो जीरो हो गया, उधर चले गया, तो इट इज़ नोन एज डक्ट, यानी कि बच जाना उत्थे होया, जीरो होना उस चीज़ नूं लैके। स्वाट, स्वाट हुंदा हिट्स, टू हिट समथिंग विद फ्लैट ऑब्जेक्ट और हैंड, इदां थले आप मार दें एक टेबल से मार दें, दैट इज नोन एज स्वाट, स्वाट, स्वाटिंग। नाविंग, टू कीप बाइटिंग चूइंग समथिंग, कटते जाना। ग्रैब मतलब पकड़ लेना जोर नाल, सीज करना रफ तरीके नाल। लीप, जंप टू अ ग्रेट हाइट, एंड जो कहती कि दिस इज लीप ईयर, यानी कि द ईयर टू जंप अहेड इन लाइफ, यदा मतलब ये हो गया जदों बाब कहती कि दिस इज लीप ईयर। उदा जिस साल के 29 दिन होंगे फरवरी के 4 साल बाद आता उसको लीप ईयर कहा जाता है। स्पट, टू बर्स्ट आउट सडनली, एकदम अचानक कुछ आ जाना, जिदा कि मान लो कितों थल्लों पानी का फुहारा छट पैना, इट इज़ नोन एज स्पट। नोजिएट, नोजिएट करना मतलब किसी चीज़ में लैके तुसी अनईजी फील कर दो, टू मेक समवन फील द वे वॉन्ट टू वोमिट, अनईजी वोमिटिंग करना नोजिएट हुंदा है, जो तुसी नोजिया फील करते हो कि भी हाँ भी थोड़ा मन खराब होया, कच्चा कच्चा हो रहा, उल्टी करने दिल करता, नोजिएट। डिजिंग, डिजी हुंदा चक्कर आना, फीलिंग एज इफ एवरीथिंग इज स्पिनिंग अराउंड यू, सब चीज़ घूम रहा थोड़े आले दुआले, यू आर नॉट एबल टू बैलेंस योर बॉडी, तो यू आर फीलिंग डिजी। गली, अ नैरो चैनल फॉर्म्ड बाय रेन वाटर, जदों कोई पतले पतले चैनल बन जाते हैं वाटर द्वारा बनाए जाते हैं तो उसनों गली कहा जाता है। रेक्ट, स्क्रैच करना खार, जिदा कि ये रेक्ट है, स्क्रैच्ड। रिपिंटो, टू पियर्स, टू पंक्चर वायलेंटली, किसी चीज़ में एकदम सुइयां खूब देना, वो हो गया रिप इनटू, इसका इसका मतलब है किसी दे विच वड़ जाना, दाखिल हो जाना। जैब मतलब स्ट्राइक विद क्विक ब्लोस, जैब होंदा फटाफट मुक्का मारते रहना, दैट इज नोन एज जैबिंग, जिदा बॉक्सिंग होंदा फटाफट। लुम्बर, लुम्बर्ड वे, मूव्ड अवे स्लोली, लुम्बर्ड अवे, लुम्बर्ड अवे इज बेसिकली लुम्बर्ड अवे, मूव्ड अवे स्लोली। देन स्क्रैप, टू थ्रो, ये जो पे स्क्रैप मटीरियल हो सकते हैं जो बेकार होंगे ने। रिगल, टू ट्विस्ट एंड टर्न विद क्विक शॉर्ट मूवमेंट इज कॉल्ड रिगल्ट, रिगल्ट। साइन्यू, साइन्यू हुंदा अ स्ट्रॉन्ग बैंड ऑफ इशूज दैट ज्वाइंस मसल्स इन द बॉडी, साइन्यूस नक् दे विच हुंदा ये वाला मटीरियल, नक् दे विच हुंदा ना अपना नक् इदां, ये वाले नूं साइन्यूस कहा जाता है। हैव अ रस्क बैक ओवर द शोल्डरस, अ बैग दैट इज कैरिड ऑन द शोल्डरस और बैक इज कॉल्ड एज हैव रस्क, हैवर सैक, हैवर सैक, हैवर सैक, हैवर सैक, काइंड ऑफ सैक जिसनों पर पिट से टंग लेने पहाड़ से चढ़ते वेले। टीडियसली थकान वाला हों, जो टायरसम हों, दैट इज टीडियसली। देन स्टैगरिंग, वॉकिंग विद वीक एंड अनईजी स्टैप इज स्टैगरिंग, जिदा बंदा लड़खड़ा के चलता पाया, देखो पिक्चर से स्टैगरिंग करता पाया। प्रोटो सपोर्ट अ परसन समथिंग अप अगेंस्ट समथिंग, एज हेयर इट इज सपोर्टिंग अप समबडी, प्रोटो सपोर्ट हो गया। गैश, अ लॉन्ग डीप कट इज नोन एज गैश, ये बॉडी में कट अगर लंबा डीप हो तो उसको गैश कहते हैं। गेज, थिन नेट लाइक मटीरियल यूज्ड फॉर बैंडेज, उसको गेज कहा जाता है, पट्टी बांध के ले गए थे उसको स्ट्रेचर पे लटाकर, और स्ट्रेचर के साथ भी गेज कर दिया गया था, उसको बांध दिया गया था पट्टी। डिस्पोंडेंसी होता है कि जब आप निराश के कंडीशन में, द मूड ऑफ सैडनेस विदाउट मच होप। हैरोइंग, वेरी शॉकिंग और फीलिंग एपसेट
फ्राइटनिंग, जब उसने अपना चेहरा देखा मिरर में तो उसकी वो इट वॉज हैरोइंग, ही फेल्ट लाइक वेरी शॉकिंग फ्राइटेंड एंड अपसेट अबाउट हिमसेल्फ एंड अबाउट हिज लुक. डेम्योरली, क्वाइटली एंड सीरियसली और हेजिटेंटली, हेजिटेटिंगली इज डेम्योरली और या डेम्योरली, राइट. तो ये था ये लेक्चर पूरा, इसके बारे में क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. होपफुली आपको अच्छा लगा. लेक्चर वॉज प्रिपेयर्ड बाई मीनू शर्मा जी, लेक्चरर इन इंग्लिश, दीनानगर गुरदासपुर से, एंड वेटेड बाय फरजाना शमीम, लेक्चरर इन इंग्लिश फ्रॉम फरीदकोट. वी आर थैंकफुल टू दैम एंड ऑल्सो थैंकफुल टू प्रो पंजाब, प्राओ पंजाब इंग्लिश टीम. तो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.